हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द एग्जाम्स मेट सिंपल सो वी आर स्टार्टिंग विद द ईयर एंड रिव्यूअर और आपकी रिक्वेस्ट की वजह से ये स्टार्ट किए जा रहे हैं वीडियोस एंड वन मोर थिंग अबाउट द वॉइस सो आई एम आई एम चेंजिंग द मेथड सो प्लीज गिव योर फीडबैक वेदर इट्स ऑडिबल नाउ और नॉट एंड लेट्स स्टार्ट विद द ईयर एंड रिव्यू तो आप में से कईयों को मालूम होगा और जिनको नहीं मालूम है मैं बता दूं कि जितने भी लास्ट ईयर 2018 में गवर्नमेंट के मेजर डिसीजंस इवेंट्स स्कीम्स बिल्स पास होते हैं वो हर पूरी चीज़ पीआईबी में कवर होती है ईयर एंड रिव्यू में सो इट्स अ मेजर टॉपिक और आपका पूरा पिछला साल कवर हो जाएगा ओके सो लेट्स स्टार्ट एंड आई एल बी गोइंग एल्फाबेटिकल वाइज तो वील स्टार्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एटीन तो यहाँ पे अमेंडमेंट लिखा है सो इट बेसिकली अमेंड्स द एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी थ्री ठीक है नाइनटीन सेवेंटी थ्री में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट आया था और उसको अमेंड करता है एंड दिस काउंसिल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ दी ऑल द मेडिकल कॉलेज रिलेटेड टू आयूष ठीक है तो अब ये अमेंडमेंट एक्ट भी क्या करेगा इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ द आयुष कॉलेजेस। आयुष कॉलेजेस में ट्रांसपेरेंसी वहाँ की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए और उनकी फंक्शनिंग के लिए है और इसमें सेकेंड पॉइंट इज दैट कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी जो था जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहा था उसका सुपर सेशन किया जाएगा बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तो सेवन मेंबर बॉडीज देयर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और उसका सुपर सेशन किया है सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी का ठीक है और ये कब तक रहेगा जब तक न्यू सेंट्रल काउंसिल नहीं बन जाता है और विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर दे हैव टू कॉन्स्टिट्यूट दिस सेंट्रल काउंसिल ठीक है and one more provision is that they have to make provision for obtaining a uh, prior permission of the central government by all homeopathy medical colleges for admission. तो इसमें अगर कोई नया college खुलता है, तो उसको भी अगर admission start कराने, उसको भी central government से permission लेनी पड़ेगी, या फिर अगर कोई existing है, उसको भी अपने यदि जो सीट्स हैं कैपेसिटी ऑफ सीट्स हैं उसको ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर उस टाइम पे भी उनको परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एक्ट ठीक है नाउ नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ आईटी इन आयुष सेक्टर ठीक है तो मिनिस्ट्री इज डेवलपिंग अ क्लाउड बेस्ड आयुष ग्रिड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आयुष ग्रिड बनाया जा रहा है अंडर डिजिटल इंडिया मिशन एंड आयुष ग्रिड में किया किया जाएगा जितने भी आयुष के टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्री हैं उनको लिंक किया जाएगा इस ग्रिड पे ठीक है सो उनका पूरा वर्किंग वगैरह पूरा टाइम एक ग्रिड पे रहेगी तो इट कैन बी इजीली मॉनिटर्ड फाइन एंड नेक्स्ट अबाउट दी आईटी सो आईटी टी एजुकेशन पर भी अब ज़्यादा इम्फेसिस किया जा रहा है एंड आयुष इज इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन सोशल मीडिया ऑल्सो फाइन so that was about it now let's move to yoga a mass movement so isme sabse pehle an international day of yoga was organized to uh, yoga day kab manaya jata hai you have to tell me in the comment section और इस इवेंट के लिए national event ऑर्गेनाइज किया गया था at forest research institute in देहरादून एंड उत्तराखंड फाइन तो योगा का इस बार का जो नेशनल इवेंट था वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में ऑर्गेनाइज किया गया था नेक्स्ट थिंग अबाउट योगा तो पी योगा अवार्ड्स आर देयर प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड्स तो ये हर साल दिए जाते हैं अगर किसी ने भी योगा में योगा के प्रमोशन और उसके डेवलपमेंट के लिए अगर अपना एक्जेंपलरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो सो दीज आर गिवेन इन टू कैटेगरीज तो पहले है इंडिविजुअल कैटेगरी एंड सेकंड इज दी इंस्टीट्यूशन कैटेगरी तो इसमें जो मिला था वो मिला था श्री विश्वास वसंत मांडलिक को हु बिलोंग्स टू नासिक एंड सेकंड इज टू योगा इंस्टीट्यूट इन मुंबई तो, in तो इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में योगा इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई को ये अवार्ड दिया गया था नाउ नेक्स्ट इज द योगा एंबेसडर टूर और इस अम्बेसिडर्स टूर को ऑर्गेनाइज किया गया था केरला टूरिज्म के कोलैबोरेशन में सो दिस वाज अ स्पेशलाइज्ड ट्रिप फॉर योगा प्रोफेशनल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इसमें उनको पूरा का पूरा योगा का पैकेज दिया गया था एंड uh, जितने भी योगा प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये अम्बेसिडर्स टूर ऑर्गेनाइज किया गया था रिमेंबर इट वॉज विथ केरला टूरिज्म ठीक है नाव टू मोबाइल टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन है मिनिस्ट्री दो मोबाइल टेक्नोलॉजी ऐप्स हैं देख लेते हैं सबसे पहली है भुवन योगा तो ये इसरो ने डेवलप की है और मिनिस्ट्री uh, ने केवल डिप्लॉय किया है एंड इट इज़ टू असेस द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेशन एट डिफरेंट वेन्यूज़ तो ये योगा डे इवेंट के लिए था कि कहाँ कहाँ पे uh, कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है लोगों का उसको असेस uh, करने के लिए भुवन योगा ऐप बनाया गया था प्लीज़ रिमेंबर दिस ऐप And second is the yoga locator. So it helps the public to locate locate the events near them. to so, log खुद मतलब locate कर पाएं कि आसपास कौन सा event हो रहा है इसके लिए yoga locator app भी deploy किया गया था। फाइन एंड uh, इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं डायरेक्टली अगर ना भी पूछे जाएं तो आपको मतलब अगर कभी भी मेंस आंसर राइटिंग करते हैं आप और आयुष का कितना ज़्यादा अभी आगे बढ़ रहा है वो चीज़ों को समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि इवन दे आर टेकिंग सो मच हेल्प इन आई मतलब ये एक इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और उसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है फाइन नाउ नेक्स्ट इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ आयुष नेशनल इंस्टीट्यूट तो दिस इज जस्ट अ फैक्ट ये ए आई आई ए ने ऑर्गेनाइज किया था दैट इज द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ठीक है तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स हुआ था और इसका मोटिव क्या था इट वॉज़ टू अपग्रेड द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड हेल्थ केयर ठीक है एजुकेशन का स्टैंडर्ड uh, को अपग्रेड करना फिर हार्मोनाइज द हार्मोनाइज एंड रैशनलाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं आयुष से जुड़े हुए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर uh, और उनकी एक्टिविटीज़ को हार्मोनाइज करना रैशनलाइज करना फंड और रिसोर्स जनरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड्स का ज्यादा से ज़्यादा जनरेशन हो उनके लिए डेवलपमेंट के लिए एंड नेटवर्किंग एंड कोलेबोरेशन अमंग द नेशनल इंस्टीट्यूट्स तो आपस में उनका कोलैबोरेशन भी होता रहे ठीक है? So, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी पब्लिक हेल्थ के लिए योगा पे और ये हुई थी uh, थी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज़ की पणजी इन गोवा ठीक है योगा के अलग अलग डायमेंशन को समझने के लिए एंड दे कैन फर्दर प्रोपेट द सेम इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज ठीक है

सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो इन्होंने मतलब दो स्कीम्स थी इनकी एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स तो इसमें टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ़ मेडिसिनल प्लांट्स फॉर आयूज ड्रग्स ठीक है तो ड्रग्स जैसे आयुष ड्रग्स जो बनते हैं उनमें मेडिसिनल प्लांट्स जो भी लगते हैं उनके लिए उनका मतलब उनसे रेगुलर सप्लाई होता रहे रॉ मटेरियल्स का उनकी अवेलेबिलिटी बनती रहे तो इसके लिए ये स्कीम है एंड फॉर दिस एन एम पी बी इज ऑगमेंटिंग द मेडिसिनल प्लांट रिसोर्सेज इन द वाइल्ड ठीक है वाइल्ड में ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स को उगाया जा रहा है ताकि उनका रेगुलर रॉ मटेरियल का सप्लाई बना रहे आयुष ड्रग्स के लिए ठीक है एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ नेशनल आयुष मिशन ठीक है तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है इसमें इन लोग क्या करें दे आर प्रमोटिंग द लार्ज स्केल कल्टीवेशन इन फार्मर्स फील्ड्स तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें कल्टीवेशन आयुष ड्रग के लिए जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका ही बढ़ाया जा रहा है लार्ज स्केल पे फील्ड्स पे जबकि जो ऊपर हमने स्कीम देखी वो वाइल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा उनको उगाने के लिए है ठीक है this was about uh, first thing about the nmpb now nmpb in collaboration with uh, national remote sensing center isro ka hi ye center hai national remote sensing center unhone develop kiya hai e bhuvan hubs mobile app okay so this is another भुवन अभी हमने ऊपर भुवन योगा देखा था so this is e भुवन hubs mobile app और ये एन एम पी बी ने डेवलप किया है विथ एन एन आर एस सी और दिस इज़ फॉर जियो टैगिंग एंड मोनिटरिंग ऑफ और दी थी ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है तो जितने भी मेडिसिनल uh, प्लांट करने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं uh, और ऑर्गेनाइजेशंस हैं सॉरी फॉ द मिस्टेक तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की उनकी जियो टैगिंग और उनकी मॉनिटरिंग के लिए ये ई भुवन हर्ब्स मोबाइल ऐप बनाया गया था ओके नाव नेक्स्ट न्यूज इज दैट आई यूश फाइंड अ प्लेस इन इंग्लिश लैंग्वेज सो Uh, ये एक कमीशन है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ओके सो यू हैव टू टेल मी कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है एंड इट हैज़ डिसाइडेड टू अडॉप्ट द वर्ड आयुष इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल परपजेज़ ठीक है आयुष वर्ड को आ, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इंक्लूड किया जाएगा और इसमें आयुष का मतलब क्या रहेगा ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सिस्टम्स ऑफ हेल्थ केयर एंड हीलिंग विच इंक्लूड प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल दिस मेडिसिन सिस्टम्स आयुर्वेद योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा सोवारिक्पा एंड होम्योपैथी ओके सो तो, नेचुरोपैथी जो है वो इस

आगे बताऊंगी तो फर्स्ट इज आयुष मानस इट इज़ फॉर मेंटल रिटार्डेशन एंड कॉग्नेटिव डेफिसिट ठीक है तो मानस समझ में आ रहा है कुछ दिमाग से जुड़ा हुआ तो मेंटल रिटा रिटार्डेशन के लिए है नेक्स्ट इज आयुष क्यू ओ एल सो इट इज़ फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यू ओ एल इज़ फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कैंसर पेशेंट्स ठीक है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इनको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे होती है कैंसर पेशेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है सो इट इज़ फॉर इम्प्रूविंग दैट नेक्स्ट इज़ आयुष रसायन इट इज़ फॉर जेरिएट्रिक हेल्थ ठीक है तो जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं उनकी हेल्थ के लिए जेरिएट्रिक हेल्थ के लिए रसायन ए एंड बी है तो इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो दैट uh, uh, जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा मतलब लिक्विड डाइट्स और सेमी लिक्विड डाइट्स वगैरह पे रखा जाता है तो रसायन ठीक है रस इन हिंदी इज फॉर लिक्विड नेक्स्ट इज़ आयुष एम थ्री तो दिस इज़ फॉर माइग्रेन एम एंड एम ओके आयुष एस एल इज़ फॉर फिलियारिसज ये थोड़ा टिपिकल है यू हैव टू रिमेंबर दिस वन आयुष ए फॉर ब्रोंकाइल अस्थमा सो ए इज़ फॉर अस्थमा आयुष डी टाइप टू डायबिटीज माइलेटस तो डी एंड डी फॉर डायबिटीज़ कारस्टॉल एस फॉर कैंसर एंड आयुष के वन फॉर क्रोनिक किडनी डिजीजेज ठीक है इसके अलावा इन्होंने फैटी लिवर डिजीजेस है प्रोटेक्शन के लिए भी ड्रग्स बनाए हैं नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट द कमर्शियलाइजेशन ऑफ़ ड्रग्स तो उसके लिए ऑलरेडी कमर्शियल के लिए दो मेडिसिन जा चुकी हैं वन इज़ दी आयुष एटी टू ये टाइप टू तो डायबिटीज़ के लिए है एंड द सेकेंड वन इज़ द आयुष एस जी इट इज़ फॉर र्यूमेटाइट अर्थराइटिस दैट इज़ अ बोन डिजीज़ तो एस जी आयुष एस जी र्यूमेटाइट अर्थराइट और आयुष एटी टू टाइप टू डायबिटीज़ इनको प्लीज़ याद रखना ये ऑलरेडी कमर्शलाइजेशन के लिए जा चुकी हैं ये ड्रग्स फ़ाइन

ऑन दी ओकेजन ऑफ यूनानी डे तो जैसे सिद्धा डे दे हमने देखा फोर्थ जनवरी वैसे यूनानी डे था टेंथ और एलेवेंथ फेब को और ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया था सिद्धा डे को चेन्नई में ऑर्गेनाइज़ किया था एंड द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज इंटीग्रेशन ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर ठीक है now the last item uh, in the year under was the month of september was celebrated as poshan maha theek hai to poshan maha that is nutrition month तो ये आयुष ने सितंबर में celebrate किया था और जितने भी आयुष हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इन्होंने कई सारे न्यूट्रिशनल और हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए थे अडोलसेंट गर्ल्स प्रेग्नेंट लेडीज लैक्टेटिंग विमेन और चिल्ड्रन के लिए तो ऑबियसली उनकी अवेयरनेस के लिए न्यूट्रिशन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए न्यूट्रिशन uh, मंथ या फिर पोषण माह ऑर्गेनाइज किया गया था प्लीज़ याद रखना इसको सेप्टेम्बर में किया था ओके नाउ देर आर सम समस् सो यू हैव टू फर्स्ट टेल मी कि भुवन हमने दो जगह पे अभी पढ़ा तो यू हैव टू टेल मी वॉट इज द भुवन एप डैट इज डेवलप्ड बाई इसरो सेकेंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अभी हमने दो ऊपर एग्जाम्पल्स देखे थे तो आपको मुझे बताना है कि सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या डिफरेंस है वी सॉइट इन एन एम पी बी ठीक है यहाँ पे एक स्कीम थी नेशनल आयुष मिशन की और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी तो आपको ये डिफरेंस बताना है द थर्ड क्वेश्चन इज यू हैव टू टेल मी व्हाट इज सोआ रिक्पा मेडिसिन सिस्टम मैंने आपको बताया कि अभी ये लेटेस्ट एडिशन है तो ये क्या मेडिसिन सिस्टम है ये आपको बताना है एंड लास्ट यू हैव टू टेल मी वॉट इज द पोषण अभियान ठीक है दैट इज़ द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ये क्या है अभी हमने ऊपर पोषण माह की बात की थी आपको पोषण अभियान के बारे में बताना है ओके सो दैट्स ऑल दिस वॉज आर फर्स्ट ईयर एंडर बेस्ड ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो प्लीज़ गिव मी ऑर फीडबैक एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड हैवे नाइस डे थैंक्स